हेलो एंड वेलकम टू योर शो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रहना भी। तो भाई अभी शुरू होते हैं, तो आगे हमारे साथ हमारे भाई लोग चल रहे हैं रील्स की शूटिंग पे। तो आगे दिखाते हैं आप लोगों को रील्स कैसा बनता है हमारा, और हमारे सारे रील्स भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे। हाँ सर बताइए कुछ, बताइए आप सर। हाँ सर बोलिए ना सर, कुछ हमारे हिसाब से कुछ। हाँ सर हेलो सर, नहीं आइएगा। और यहाँ पे ये लड़का फोन पे दीजिए, कितना लोगों का कांटेक्ट मिला है इसको पता नहीं, पर जितना भी मिला है एक रुपये भी हम लोग को नहीं मिलने वाला है, मैं क्लियर बता दे रहे। और हमारे साथ ये आकिब जी, और अभी से रील्स के गानों की सिलेक्टिंग हो रही है, जो बोलना है क्लियर बोल दे। और भाई का भी वहाँ पे जो फोन आ रहा है, वो भाई भी अपने फोन पे बिजी है, हम अपना काम कर रहे हैं भाई। तो आगे जहाँ पे हमारी रील्स बनती है, जो हमारा लोकेशन है वहाँ पे मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो गाइस ऐसा सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग अब आ चुके हैं उर्दू प्राथमिक विद्यालय, और यहाँ पे हमारी रील्स की शूटिंग होगी। भाई लोग फुल कड़क और हम भी फुल कड़क है भाई। हमारी अगली वीडियो यार आई थी जो हम लोग गए थे घूमने के लिए, वो तो यार आप लोग यार वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते, थोड़ा सा दिल पे लगता है यार, देखो दिल पे लगता है। और ऐसे ने मास्क खोल लिया तो यार कुछ हद तक तो फेस की प्रॉब्लम ठीक ही होगी। तो यहाँ पे भाई लोग अपना स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कैसे बनाना है वीडियो। और यार मैंने टोपी इसलिए पहन लिया क्योंकि यार मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी, इसलिए यार टोपी हमने पहन लिया। तो भाई लोग वीडियो बनाएंगे, हमारे मासूम भाई यहाँ पे आ चुके हैं और पीछे से एक और लड़का आ रहा है। और गाइस यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, और हमारे एजे आकिब वाईटी, और ये हमारे फैज बलोच के डुप्लीकेट फैजू, और यहाँ पे क्यूट बॉय टोफू, और यार हम आपके टीम। तो मिलते हैं आपसे यहाँ पहुँचने के बाद। तो गाइस रास्ता कुछ इधर से ऐसा है, और हमारे समीर भाई भी यहाँ बैठे हुए। ओ भाई यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी शूटिंग होगी। लाइट इस साइड से अच्छी आ रही है भाई, यहीं पे गिम लाइट है, तो वीडियो रोकते हैं आगे दिखाते हैं। ट्रायल हो रही है वीडियो बनाने की, भाई के हाथ पे अगर, और भाई बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। और देखो भाई एकदम बड़ा खूबसूरती जो एक कोशिश कर रहे हैं भाई लोग, उसको समझा रहे हैं स्क्रिप्ट कैसा स्क्रिप्ट है, उसी हिसाब से उसे एक्टिंग करनी होगी। तो यार रील्स की शूटिंग तो मेहनत लगती है बहुत, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेहनत बहुत लगती है। और यार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, तो यार अभी तो रील्स इंस्टाग्राम मन उठ गया है, यूट्यूब पे आए कुछ देखते हैं यूट्यूब पे कैसा सीन रहता है। यूट्यूब पे जैसा सीन रहा यार, यहाँ पे जो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऊपर जाएंगे, ना सपोर्ट नहीं रहा तो यार जहाँ पे है वहीं पे ही रहेंगे। तो बस ये थे कुछ अपने पर्सनल बातें, और यार आप लोग वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते तो यार डीमोटिवेट हो यार, दिल से बुरा लगता है, सही बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको वीडियो नज़र आ गई होगी दिल से बुरा वाला मेम। और गाइस यहाँ पे इस साइड है अपना स्टेडियम, और ये जो लोकेशन है इसके बारे में मैं बताना चाहूँ, तो ये रहा आपका स्टेडियम, इस साइड स्टेडियम से ये रास्ता है, इस रास्ते से ये है उर्दू महाविद्यालय। और देखो ये भी इसी का पार्ट ही है, वो टूटा हुआ है, वो टूट गया था। तो यहाँ पे शूटिंग होगी अभी इन लोगों की, तो यहाँ से शूटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेडियम, स्टेडियम के बाद नेक्स्ट पहाड़। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए हमारी कमेंट्री बंद। कौन वाला बना चलो गाइस यहाँ पे ये भी चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे लग चुका है सब कुछ सेटअप, भाई के हाथ पे फोन, और वहाँ पे भाई लोग बता ये
भाई ये शूटिंग थोड़ी गलत हो गई क्योंकि यार भाई ने पहले ही एक्टिंग कर दिया, और देखो भाई चप्पल फेंक के मार रहे हैं हमें, और भाई को बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि यार इसकी मम्मी ने इसे सुबह सुबह पिटाई की थी। कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं। और हमारे कैमरामैन एजिया की वाइट बड़े मुस्कियों के साथ दापते हुए अपने हंसी को अगर बोलिए पूरा गलत क्या पूरा गलत छापा है ना, एकदम गलत छापा है अखबार ने इनके बारे में, बता रहे हैं ये गलत छापा है भाई। फुल फॉर्म में हाथ में गन लेकर लोगों को डराते हुए, यार डरना नहीं है क्योंकि भाई देखो भाई मारा मरा नहीं यार वो बंदा, क्यों रे मर मर तो यार ऐसे मस्ती मजाक चलती रहेगी हमारे ब्लॉग में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे साथ हमारे भाई पूरे फॉर्म में वीडियो बनाने के लिए आए, अगर इनका वीडियो नहीं बना तो कसम से यार ये सब हम लोग अब बाहर निकल गए हैं। तो बाहर निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, हमारे एरिया की बॉयटी बात कर रहे हैं उनसे, तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए भाई फुल फॉर्म में तो रहने दो। और गाइस यहाँ पे हमारे साथ हमारे भाई पूरे फॉर्म में, क्योंकि यार इनको लगा दो डंटा सुबह में, और इनके पापा भी इनको बहुत मारे यार, जो बोलने क्लियर बोल रहे हैं, पूरी पिटाई हुई थी इनकी क्योंकि यार ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसलिए। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया पढ़ाई करें, वरना आपके पापा आपको डंटे लेकर दौड़ाएंगे। और भाई मत कहना कि यार बताया नहीं मैंने। सो गाइस ये बड़ा ही खतरनाक जगह है, और गाइस यहाँ पे देख लीजिए आप, ये टूटा हुआ है पूरा, इधर नहीं आना चाहिए आप लोगों को। ये यार बिल्डिंग कब गिरा था पता नहीं, यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ये बिल्डिंग गिर गया था उस टाइम, जिस टाइम गिरा था यार, तो इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया था, और बिल्डिंग बंद करने के बाद यहाँ पे से पूरा क्लियर कर दिया गया था। बच्चे लोग उस टाइम से लॉकडाउन चल रहा था, छुट्टी थी ना, लॉकडाउन नहीं चल रहा था ना, छुट्टी चल रही थी, स्कूल टाइम था, स्कूल टाइम था। हमारे ही तो भाई जैसा बता रहे हैं हमें कि स्कूल टाइम था, तो बट उस दिन बच्चे इस वाले कमरे में पढ़ रहे थे और इस वाले कमरे में, तो इस वाले कमरे को बंद कर दिया गया था, और यहाँ पे छत गिर गया था, तो यार उस दिन छुट्टी कर दी गई थी। हम लोग तो यहाँ पे पढ़ते नहीं थे, हम थे रेलवे स्कूल में। तो मिलते हैं आपसे, तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा, खत्म गया।